जी वैसे ये समझ लो ये है मेरा चेक करने का, ये सारा चेक करने के लिए। फिर बर्तन दे देना भाई को, दो बंदे हैं ना। खाना जो है हमारा रेडी हो गया है, तो अभी इसमें डालेंगे चिकन। अभी वो है हमारा चिकन। मामा अभी आटा गूंद रही है। अभी जो है मैंने आटा गूंद के ना, माशाल्लाह जी अब टमाटर डाले जा रहे हैं। ये जी हमारा चिकन है, लेकिन ये बड़ा बना के दे दिया था दुकानदार ने। अजानें हो रही हैं, मैं चला हूँ नमाज पढ़ने के लिए। आपने अपनी मम्मा की रेसिपी पूरी दिखानी है बहन भाइयों को, सही है? दिखाएंगी और अच्छी अच्छी बातें भी करनी है, सही है? ओके हो गया जी, तो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ बहन भाइयों। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं? आप देख रहे हैं असलम खान वी लॉग्स और मैं हूं असलम खान। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 मुहर्रम उल हराम है, तो आज हमने मुर्गी मंगवाई है, क्योंकि इस्लामुद्दीन ने भी कहा है, मैडम साहबा ने भी कहा है कि आज मुर्गी मंगवा लेते हैं, फिर मुर्गी बना के इंशाल्लाह ताला फिर बांट देंगे बस्ती में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने आज देखना है मैडम साहबा मुर्गी कैसे बनाती हैं। तो कल जो है इन्होंने गुड़ वाले चावल बनाए थे, तो उनमें जो है सब ने कहा कि प्याज वगैरह ये चीज़ें तो नहीं डाली जाती गुड़ वाले चावलों में, तो आप कैसे बना रहे हैं? तो मैडम साहबा बोलती हैं कि हम तो शुरू से ही ऐसे ही बनाते आ रहे हैं, बाकी उन्हीं से पूछते हैं आज सही बना लेंगी या नहीं बनाएंगी। तो इंशाल्लाह आज जो है सही बनाऊंगी, बहुत अच्छी होगी। पक्की बात है? हाँ जी। ये जी मिसाले, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक और प्याज और धनिया, सब्ज। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज की जो है पूरी रेसिपी आपसे शेयर भी करूँगी और बहुत अच्छी बनाऊंगी। ओके हो गया जी, चलें देखते हैं, मैं भी आपके साथ मिल के देखूंगा कि मैडम साहबा आज रेसिपी कैसे शेयर करती हैं। तो आज आपने ये इमाम हुसैन की जो है नियाज है, और ये आपने बेस्ट बनानी है, इसमें कोई जो है गलती कुताही नहीं होनी चाहिए, कोशिश आपने भरपूर करनी है, सही है? चलें जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। आप मिसाला काटें, तैयार करें, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह प्याज काटे जा रहे हैं, और भी प्याज काटे जा रहे हैं। हाँ, दो प्याज, 2 किलो मुर्गी है तो 2 प्याज डालूंगी 2 किलो मुर्गी में, सही है? माशाल्लाह जी मिसाला जो है मैडम साहबा ने काट लिया है। ये अदरक है, लहसुन है, टमाटर हैं, और ये हरी मिर्ची हैं और प्याज हैं। माशाल्लाह जी, ओके हो गया मिसाला? हाँ जी, मिसाला ओके हो गया। चलें फिर जल्दी जल्दी रेडी करें, शुरू करें मतलब चिकन बनाना, तो फिर टाइम पे जो है हम बांट भी सकें। यहाँ पर जी सारा कुछ रख दिया गया है, ये जी चूल्हा जो है ये सेट किया जा रहा है, सिलेंडर रख दिया गया है, और चूल्हा जो है ये चूल्हा है, और इसको अब साफ करेंगे। आज मैं चूल्हा साफ करके दिखाऊं? लो जी साफ हो गया, चमकना हो गया है। हो नहीं गया चमकना? हो गया है। फिर आप क्यों हंस रही हैं? फिर बाद में चलें जी, चूल्हा भी साफ हो रहा है माशाल्लाह, फिर रेडी करते हैं चिकन, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जो है अब साफ हो चुका है,
और गर्मी भी बहुत शदीद है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो ये पसीना है ना, ये सुबह से सूख ही नहीं रहा। जब सुबह सुबह मैं आया ना, जब मैडम साहबा व्लॉग बना रही थी, तब से जो है ना ये अजीब सा महसूस हो रहा है और पसीना इतना टपक रहा है कि बहुत ज़्यादा। बार बार जो है ना ऐसे साफ भी कर लेता हूँ लेकिन फिर आ जाता है। आज जो है ना मुंह पर चिपकने वाली जो गर्मी है वही है, मुंह पर चिपकने वाली गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बादल तो बने रहे और हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद फिर मौसम जो है वो चेंज हो चुका है। माशाल्लाह जी, और भी सामान आ गया, नमक आ गया, घी आ गया और चिकन भी आ गया। चिकन का दीदार तो करा लेना था, मैं खुद ही करा देता हूँ। ये रहा जी हमारा चिकन, अभी छापर में पैक है, अभी कोई फायदा नहीं है दिखाने का। जब ये छापर से निकलेगा ना फिर बाद में दिखाऊंगा। जी हमारा चिकन है, लेकिन ये बड़ा बना के दे दिया था दुकानदार ने, तो अभी मैडम साहबा जो है इसको छोटा छोटा कर रही है, ताकि ये बहुत, नहीं तो ये बहुत बड़े थे, है ना? हाँ जी, ये बहुत बड़े थे, ये देखें ये जैसा पड़ा है। हाँ, तो अभी छोटा करते हैं इनको, मक्खियाँ एक तो तंग करेंगी हमको आज। हाँ। गोश्त है ना, पत्तावर जो है ये चीज़ें लेके जा रही है और मैडम साहबा जो है ये चीज़ें लेके जा रही है। चिकन लेके जा रही हैं धोने के लिए। हाँ जी, धोने के लिए जा रही हैं। चलें फिर, माशाल्लाह नलके पे चलते हैं, देखते हैं कैसे ये चिकन धोया जाता है। नूर मोहम्मद पहले नलका पकड़ कर खड़ा है, घी डाला जा रहा है, माशाल्लाह घी जो है ये डाल चुका है। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब इसमें लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी गई है। लहसुन है, प्याज है। अच्छा अच्छा, मुझे वो समझ नहीं आई ना, मैंने कहा चलो लहसुन ही बोल देता हूँ, कि पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने फसल को लहसुन ही बोल दिया। मिर्चें तो ऐसे नज़र आ रही हैं जैसे चिट्टे कमीज पर सावे बटन लगे हूँ। आपको कैसी लग रही हैं? मुझे भी ऐसी लग रही हैं। हरी हरी मज़ेदार नज़र आ रही हैं। आज ज़रा ध्यान से गोश्त बनाना। माशाल्लाह जी, अब टमाटर डाले जा रहे हैं। बख्तावर कहाँ गई है? बख्तावर बाहर गई है, पहले तो हैदर अली को खिला रही थी, अब बाहर चली गई है। वो रही इधर आ बख्तावर, अजाने हो रही हैं, मैं चला हूँ नमाज पढ़ने के लिए। आपने अपनी मम्मा की रेसिपी पूरी दिखानी है बहन भाइयों को, सही है? दिखाएंगी और अच्छी अच्छी बातें भी करनी है, सही है? ओके हो गया जी, तो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ बहन भाइयों। खैर अब मैं जो है आके जितनी रहती होगी रेसिपी वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करवाऊँगा। फिलहाल जो है बख्तावर बनाएगी वीडियो, ये लें जी व्लॉग बनाएं और बहन भाइयों को रेसिपी दिखाएं। अभी जी ये डाल चुके हैं, अभी जी डाल चुके हैं। हाँ, ये मैंने डाल दिए हैं सारे, तो अभी ये ना टमाटर जो है अभी डाले हैं, तो ये थोड़े से गल जाएं, फिर इसमें डालूंगी ये लाल मिर्च और नमक। अभी जी ये
टमाटर गल चुके हैं, अभी लाल मिर्च डालना है। हाँ, अभी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अभी ये लाल मिर्च डाल चुकी है। देखिए एक बोरी बनी हुई है। हमारा नमक जो है ना वो डाल चुका है, अभी डाल रहे हैं, डाल नहीं चुका। हाँ, अभी डाल दिया, अभी डाल दिया है, बस पूरा हो गया। हाँ, अभी डाल दिया गया है। अभी देखिए कितना खूबसूरत उतर रहा है लाल लाल। अभी पानी अभी इसका शिकायत बहुत अच्छा आ रहा था। हाँ। जी अदरक और लहसुन डाल रहे हैं जी। हमारा लहसुन डल चुका है और अदरक। अच्छी तरीके ना इसे भुनाई करेंगे इनकी। ये हमारा चिकन जो है ना वो अभी डाल रहा है। हाँ, अभी मसाला जो है हमारा रेडी हो गया है, तो अभी इसमें डालेंगे चिकन। ये अभी वो है हमारा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमारा हो डाल चुका है चिकन। अभी इसे तैयार करेंगे, अच्छी तरीके मिक्स करेंगे। हाँ, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर हम जब बांटेंगे तो आपको दिखा, अगर व्लॉग फूटेगा और बनाना होगा तो फिर हम दिखाएंगे, अगर पूरा हो जाएगा तो हम यही दिखा। हमारा चिकन जो है हो गया है अच्छी तरीके से जो है मिक्स। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए ना ढक्कन इनका बंद करके खड़ा देंगे इसे। अभी ये हमारा जो है ना चिकन, ऊपर ढकना। अब क्या करना है? और आटा गूंदना है। फिर आटा गूंदते हैं, आपसे शेयर भी करते हैं जी। हमारा ये देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है वो देखिए। अभी चम्मच घुमाते हैं ना तो फिर देखते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है, अभी तो कच्ची की हवा आ रही है, कच्ची की। हाँ, अभी तो इसका जो खून वाला पानी होता है वो भी नहीं सूखा। हाँ, ये सब घी घी तो फिर घी तो नहीं होता, ये जो है ना ये पानी बना हुआ ये उसका खून है। हाँ। गोश्त का खून वाला पानी। ये देखे तो फिर ऐसे खड़ा कर देते हैं जब तक आटा गूंदते हैं। हाँ। तो फिर ये बनता रहेगा। अगर इसका ढक्कन बंद करेंगे तो जो गोटियाँ हैं ये सारी गल के मिक्स हो जाएंगी। ये देखे अभी अभी तो खूबसूरत नजर आएंगे, जब पक जाएंगे तो फिर देखे खूबसूरत नजर आते हैं। क्या गया है नूर मोहम्मद? नूर मोहम्मद क्या खा रहे हो? किसने बनाई है? ये चाची ने। चाचू ने बनाई है? अच्छा, कैसी बनी है? बहुत अच्छी। और यहाँ पर मामा भी आटा गूंद रही है। अभी जो है मैंने आटा गूंद के ना किसी लड़के को दे दूंगी, फिर जाएगा तंदूर पर रोटियां लगवाने। जब तक हमारा सालन तैयार होता है ना तब तक वो रोटियां भी लगवा के आ जाएंगे। अभी इसमें पानी डालेंगे। माशाल्लाह जी, हमारा चिकन जो है वो रेडी होने वाला है, बस बनने के करीब ही है। तो आज टेस्ट करेंगे, देखेंगे मैडम साहिबा की महारत कैसी है। आपको आपको क्या लगता है, आपको कुछ उम्मीद तो होगी कि अच्छा बनेगा या नहीं? उम्मीद तो है, पूरी कोशिश की है कि अच्छा बनेगा, वो जब आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, माशाल्लाह जी, अभी मैडम साहबा ने चेक कराई है तो अभी कच्ची है थोड़ी। मैंने कहा है अभी थोड़ी कच्ची है, कच्ची है चाहे पक्की है हमें भी चेक करवा दो। अहमद भाई भी आ चुके हैं, अब्बा भाभी भी आ चुकी है। क्या बन रहा है चेक कर लेना आज। चेक कर ले कपड़ा चावा चाह करे गरम नहीं है।
अहमद भाई जो है ना अच्छा चेक करते हैं। हाँ जी भाई, ऐसे ये समझ लो ये है मेरा चेक करने का, ये सारा चेक करने के लिए। फिर बर्तन दे देना भाई को। दो बंदे हैं ना। तो फिर दो बंदे तो फिर ये ले ले। भाभी सब्बा को भी चेक कराएं। इसमें डाल लें। ये नहीं बोटी चाहिए हमें, वो दूसरी वाली, जैसे ये हड्डी वाली बोटी होती है, बस एक काफी है। चेक ही करना है ना। हाँ एक ही। हाँ एक ही काफी है, बस दो बंदे हैं। फिर दो ले लेनी थी। नहीं हाँ। भाई वो जब बन जाएगी फिर तो मुंगरी लेके नहीं भाई, वो जब मैं बनाती रहती हूँ ना, मैं अहमद को चेक करवाती, मैं खुद चेक नहीं करती। हाँ जी मैडम साहब अभी ऐसे ही करती हैं, मुझे चेक करवाती हैं। मैं खुद चेक नहीं करती। चेक करेंगे अब, चेक करके बताएंगे ये कैसे। अब जल्दी जल्दी चेक करें ना भाई। भाई असल में गर्म है ना, कैसे जल्दी जल्दी चेक करूं। मैंने चेक की थी, चम की जुबान है लूहे दी नहीं लवाई। ऊपर पत्रे जलेगी नहीं वो, बात में ग्राइंडर लगवा लें। हाँ। अभी ना कच्ची है, गली नहीं है, सही है ना। यही तो मैं बोल रहा था कि अभी थोड़ी देर है। मैंने भी सोचा क्या इस चीज का शोर आ रहा है। ये बाकी गंजे की देर थी, देख लें। बस कहीं पे मुर्गी पक्के, आवाज सिर्फ कानों तक पहुंचने की। माशाल्लाह भाभी नसीबा भी घूम रही हैं आज, सारी फैमिली जो है मेरे व्लॉग में आ गई है। मैंने आवाज सुनी, मैंने कहा कि क्या रोला लगा हुआ है, क्या इधर आया तो हड्डियां खा रहा है। रोला मोला नहीं लगा हुआ, हड्डियां आया है ना। ओए गोश्त था यार, हड्डियां नहीं है, खा रहा है देख। नहीं भाई तू ना अपना मेहरबानी कर, ठीक है ना, तू जिसलिए आया है ना वो अपनी बात बता। कैमरा चला रखा है इसने, असल हकीकत वो कैमरे का तो सिर्फ बहाना है। मुर्गी को हड़प कर जाना इसका ये जो है ना निशाना है। अच्छा मुर्गी हड़प करने के लिए आए हैं, आपको पता नहीं है। नहीं हम तो बना रहे हैं, आप सबके लिए बना रहे हैं, बस्ती में बांट देंगे इंशाल्लाह। सुबह ना हमारी बिरयानी की आगे तारीफें करने लग गया, बीफ राइस बनाया था हमने। हाँ जी, तो बीफ बिरयानी तो कहता यार इतनी बड़ी खुशबू ये है वो है, ऐसे ना पतीले के साथ चलता क्या। मैंने सबा को कहा, मैंने कहा पतीला ना तो दम पे लगा दो, भाई को बोला थोड़ी देर है। फिर आखिर में मुझे नहीं मिला, मैं घर आ गया, फिर पीछे से प्लेट आ गया। साफ जाहिर है यार, आखिर सबको हिसाब किताब से देना पड़ता है ना। नहीं नहीं हिसाब किताब का नहीं, वो असल में कच्चे थे ना जब भाई आए, पक गए, आपको पता है सारे बच्चे वहाँ पे बैठ के खाए, जितने वहाँ असलम भाई भी वहाँ पे मौजूद थे, आपको वहाँ पे मिल गए हमारे घर में। हाँ नहीं तो ये कच्चे जो होते ना ये खा लेता, फिर बोलता रहता कि सही नहीं बनाया, सही नहीं बनाया। नहीं कभी मैंने किसी का गिला किया है। हाँ सारा दिन तो आपका यही काम है। पहले नहीं करते थे, अब बाल नहीं है, शेव कर लेते हैं। ये पहले ना आके हमारे से ना खाना उठा लेते थे और नहीं देते थे ऐसे हमें। अभी वही काम मुझे शुरू करना पड़ेगा, हमें कूटते भी थे। अभी वही काम मुझे, यही तो सजा मिली है, बाल उड़ गए। ये बाल मैंने खुद उड़ाया भाई, ये खुद उड़ाए हैं। अभी आप अपने प्यारे बहन भाइयों, अभी जो हम अपनी सालन को देखते हैं, ये देखिए हमारी रेसिपी जो है होगी है तैयार। तो अभी इसमें हम डालते हैं धनिया, धनिया जो है हमने डाल दिया, तो अभी इसे नीचे उतार देते हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताना। माशाल्लाह जी हमारी कढ़ाई तो बन चुकी है, अब रोटी पकाई जा रही है। तंदूर नहीं था क्या? तंदूर बंद था। चलें ये उठाना ज़रा चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। सही है, नजर तो सही आ रही है, बाकी चेक करेंगे। खाने में भी बहुत अच्छी होगी। प्यारे बहन भाइयों 6:53 मतलब 7 होने को हैं, और हमने जब काम ये शुरू किया था तब 4 का टाइम था। अब आप हिसाब लाएं कि 3 घंटे हो गए मैडम साहबा को
इन्होंने बिल्कुल अंधेरा ही कर दिया है, मतलब अब वीडियो भी अच्छी नहीं आ रही, यानी इतनी स्लो है। तो हमारा व्लॉग हो गया ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।